हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट सेकंड के अलावा हमारे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट पूछते हैं। इन दो पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और अच्छे से समझ आए। ठीक है, सो देखिए, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सेकंड में हमें कहा गया है कि जो हमें नीचे सिचुएशंस दी गई हैं उन्हें हमें एक हमारी इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन में फॉर्म करना है। मतलब इस इक्वेशन में हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है, जो सिचुएशंस दे रखे ना इन्हें कैसे भी करके सिंप्लीफाई करें या कुछ करें, इनकी इक्वेशंस बनाए, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखानी है। ठीक है, तो फर्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल्स टू 1.10 टाइम्स इट्स विड्थ। यहां पे मेन चीज हमें ये दी गई है, बाकी हमारा जो स्टेटमेंट है वो हमें केवल हिंट के लिए दी गई है। यहां पे कहता है कि लेंथ हमारी इसकी जो विड्थ है उससे एक ज्यादा, यहां पे ना ही लेंथ दी गई है और ना ही ब्रेथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द विड्थ और ब्रेथ जो ये की बात है, तो हम इसे ले लेते हैं एक्स मीटर, बिकॉज हमारे पास देने की है। हेंस द लेंथ इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लेंथ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें लेंथ बता रखी है कि भाई इस जो ब्रेथ है इससे एक ज्यादा है, इसके दुगने से एक ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ज्यादा का हमें नहीं पता किससे है, ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब इसके विड्थ जो है इसके ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दुगना, दुगना मीन्स दो गुना, तो मल्टीप्लाई टू। अब एक्स मल्टीप्लाई टू आप लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं टू एक्स, अब इससे भी एक ज्यादा है सो प्लस वन, ये हमारा मीट। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ हमारी आ गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लिखेंगे एल इंटू बी, अब एल इंटू बी लिख दिया, एरिया लिख दिया, ये दोनों चीज हमारे पास है, एरिया लेंथ ब्रेथ तीनों चीज, यहाँ पे एरिया दे रखा है, ये लेंथ है, ये सॉरी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो एरिया कितना है 528 मीटर, ये किसके इक्वल है, एल इंटू बी मतलब 2x प्लस 1 इंटू एक्स इसके। ठीक है, सो क्वेश्चन को हमने अच्छे से रीड कर लिया है, सो मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे से आ गए सॉल्यूशन 528 इज इक्वल्स टू 2x के x से मल्टीप्लाई आ जाएगा 2x स्क्वायर, 1 के x से मल्टीप्लाई आ जाएगा प्लस x। ठीक है, अब 528 को मैं इस साइड लेके जाता हूँ तो इधर ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और इधर अब कुछ नहीं बचेगा, एम्प्टी हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं जीरो, और इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं ये हमारा आंसर आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर और डिग्री कितनी है 2, सो ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वेश्चन में हमें इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सो ये था फर्स्ट पार्ट, अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट से भी इजी हमें सिचुएशन दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। अब कंसेक्यूटिव क्या होता है, इंटीजर प्रोडक्ट टू 306, ये तो हम समय समझ आ गया है। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे टू कंसेक्यूटिव नंबर सम 5, 4, 6, 7, 8, 6, 7, 4, 3, मतलब आगे पीछे हम कर सकते हैं अगर हमें कहा गया है तो, मतलब 5, 4, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और 5 प्लस 1, तो यहाँ पे ना ही मुझे फर्स्ट इंटीजर दिया गया और ना ही सेकेंड, तो मैं यहाँ पे लेट द इंटीजर्स, हम इंटीजर्स को क्या मान लेते हैं x, अगर मैंने एक x माना है तो दूसरा, मतलब जब हम ऊपर 5 पुट कर देते हैं तो दूसरा x प्लस 1, मतलब 5 प्लस 1 है तो दूसरा एक
कंसेक्यूटिव इंटीजर ये हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब x into x plus 1 कितना दे रखा है भैया 306 दे रखा है। x क्या है प्लस x इज इक्वल्स टू 306। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेम इक्वेशन की तरह जैसे हमारा लास्ट में आंसर आया था ना x स्क्वायर प्लस x इधर पॉजिटिव है इधर आपके नेगेटिव हो जाएगा भैया 306 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो आप इक्वेशन दे रखे हैं इसकी हाईएस्ट पावर और मैं कह सकता हूँ कि डिग्री कितनी है 2 है। तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इसके नीचे वैल्यू हुआ अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।